पुणे शहर के कोंडवा परिसर में स्थित द्वारकाधीश गौरक्षा गौशाला पर महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा बुलडोजर चलाते हुए पूरी तरह से गौशाला को तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही के बाद गौरक्षक और हिंदू संगठनों द्वारा इस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए गए। गौरतलब की बात ये है कि कार्यवाही सुबह 6 बजे बड़े पुलिस बंदोबस्त में की गई है, जबकि गौशाला चालक की किसी ने एक नहीं सुनी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यवाही को एक षड्यंत्र बताया और कहा कि ये कार्यवाही मुस्लिम नगर सेवक के कहने पर की गई है। महाराष्ट्र राज्य के वन विभाग द्वारा ये कार्यवाही दबाव में आकर की गई है। मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने के लिए गौशाला पर बुलडोजर चलाया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। गौरक्षकों का कहना है कि हम लोग जान जोखिम में डालकर गौ माता को कसाईयों के हाथों बचाने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर गौ माता की गौशाला ध्वस्त की जा रही है। कोंडवा परिसर में अवैध रूप से कत्तल खाने चल रहे हैं, उन पर प्रशासन कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता? ऐसा सवाल गौरक्षक और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। बात बहुत दुखजनक है। पुणे शहर में एक ऐसी जगह थी कि जहां गौ माताओं की बहुत अच्छी तरह से सेवा हो रही थी। इतने दिन तक कोंडवा यह गांव कत्तल खाने के लिए प्रसिद्ध था। जहां गाय को काटा जाता है उसको लोग कोंडवा बोलते थे, मगर द्वारकाधीश गौशाला के लोगों ने कोंडवा की पहचान बदलने की कोशिश की और एनसीपी के षड्यंत्र के द्वारा ये गौशाला बंद हो गई और इंक्रोचमेंट का कारण दिया गया। मगर यह अन्याय है। हिंदू धर्म का जो एक स्वाभिमान का बिंदु है वो गौ माता है और ये गौ माता को संकट में डालने वाला ये जो निर्णय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया, ये बहुत ही हमारे देश के संस्कृति के लिए खतरा है। करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला ये निर्णय था। ये गौशाला की एक्टिविटी ये फॉरेस्ट को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटी है। ये कौन से भी फॉरेस्ट के कानून को तोड़ती नहीं है, फिर भी ये गौशाला तोड़ने का जो निर्णय हुआ है ये इल्लीगल डिसीजन है। ये हम हाईकोर्ट को बताएंगे, वो जमीन वापस लेंगे और उधर गौशाला का नंदनवन वापस भगवान श्री कृष्ण के नाम से खड़ा करेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुना है, कोई चाचा भतीजा का पुना नहीं है। ये सबने ध्यान में रखना चाहिए। ये पवित्र भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिवादन की भूमि है और इसकी जो गरिमा है इसको चोट लगी तो भी हम वापस वो गरिमा प्रस्थापित करेंगे और ये गौशाला का पुनर्निर्माण उसी पवित्र जगह पर हो जाएगा। ये कोंडवा कत्तल खाने के लिए प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, कोंडवा गौशाला के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, गौ संवर्धन के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ पालन के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है और ये इच्छा लेकर भगवान से आशीर्वाद लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर संभाजी महाराज की प्रेरणा लेकर हम काम करेंगे और ये जो हमारे हिंदू धर्म के दुश्मन है इनका पूरा दमन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्च न्यूज, पुणे महाराष्ट्र।